गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और बुढ़ापे के चार चार बेटों की लड़ाइयों से दुखी, तो भक्ति कब करेंगे? पूरा जीवन तो ऐसे ही निकल रहा है। आज जीवन कितने साल का है ध्यान देना? 100 साल, 90 साल, 60 साल। देखो 60 से ऊपर वाले बैठे हैं यहाँ पे, अभी ऐसे मत करो।
जो 70 तक पहुंच गए कहते पुराना घी खा रखा है। अच्छा ये बताओ यहां पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी है बुढ़ापे की तरफ किस किसने कदम रखा है, जरा इमानदारी से हाथ उठाना। अभी कुछ हमारी माताएं बहनों ने हाथ नहीं उठाया, हम बूढ़े थोड़े हैं। इनसे बोलना पड़ेगा, देखो जितना कहा जाए उतना ही करके बातें करने से ध्यान। अच्छा ये बताओ किस किस के घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, अब पता चल गया आप बुढ़ापे में कदम रखती है, तो ध्यान देना सजनों। माँ भी 50 साल उम्र सोने में निकल जाती है, 50 साल सोने में निकल गए लेकिन उसका जो नाम नहीं लेते। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया जो उसको भूल बैठे हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया उसकी सेवा से जो पीछे है प्यारे वो भी सोए हैं। जब तक गृहस्थी रहेगी समय नहीं मिलेगा, पक्की बात है। अरे मैं कथा में आ तो जाऊं लेकिन क्या करूं, काम बहुत है, जिंदगी भर काम कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन उस गृहस्थी में से थोड़ा सा समय निकाल के जब आप भगवान का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो विश्वास मानो तुम्हारा मन जागृत हो जाता है। और इंसान कैसे कैसे उसकी उम्र होती है, कैसे कैसे जीवन होता है, जरा ध्यान से सुनना कि सारी जिंदगी इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे में कैसे आता है। और सभी बड़े भाव से भक्ति से कहेंगे, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी है तेरी प्यारी जिंदगी, सारी ध्यान देना। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है 84 लाख योनियों से ज्यादा कष्टदायक नरक है ये गर्भ, जिसमें ये जीव मूत्र और जो गर्भवती स्त्रियां मसालेदार चीज खाती हैं, चटपटी चीज खाती हैं, उन्हें तो आनंद आता है लेकिन कोख के पदे शिशु को तलवार जैसी धार लगती है, तड़प जाता है। तब प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालो, और प्रभु से प्रार्थना करता है कि जब मैं इस नरक से बाहर आऊंगा मैं तुम्हारा गुणगान करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा कीर्तन करूंगा, भागवत कथा होगी वहां पे तो जरूर जाऊंगा, और जहां भी सेवा का भाव होगा मैं सेवा भी करूंगा। धरती पर तुमने रुदन मचाया, लगले देही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, वो जन्म लगते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, लगले देही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, और आंखें भी खुलने ना पाई, आंखें भी खुलने ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी
बचपन तो खेल कूद में निकल गया, कूद में बचपन बीता, यौवन पाप कमाया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन पाप कमाया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन पाप कमाया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन पाप कमाया, धर्म कर्म का मल मिल जाना, धर्म कर्म का मल मिल जाना, धर्म कर्म का मल मिल जाना, ईमानदारी से बताओ, जो जवानी में ताकत रहती थी क्या उतनी ताकत बुढ़ापे में रहती है? हाथ में छड़ी आ जाती है, सहारे की जरूरत होती है। और प्यारे, जो सुंदरता जवानी में थी क्या बुढ़ापे में रहती है? फिर अकड़ किस काम की? जिसको कथा में निंद्रा आए, जिसको कथा में उबासी आए, जो आपस में बात करें जिसका ध्यान भटकता है, समझ ले उसके सिर पे पाप बाकी है जो तुम्हें कथा नहीं सुनने दे रहे। आकर पापों को हावी मत होने दो। यहाँ पर तुम अगर कुछ पाने के लिए आए हो तो विश्वास मानो, अपने मन को एकाग्र कर लो। यहाँ भी अगर आपने अपना मन भटकाया, दूसरों का ध्यान भटकाया, तो प्यारे जीवन बेकार है। कि जो जवानी में ताकत रहती है प्यारे, वो बुढ़ापे में नहीं रहती। जो सुंदरता जवानी में होती है वो बुढ़ापे में। कहते हैं एक बूढ़ी मैया बाजार गई, बाजार में बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन एक शीशे वाली दुकान में पहुंच गई। आई ना, समझते हो ना, शीशे वाली दुकान पे पहुंच गई। बोले भैया मुझे बढ़िया सा शीशा दिखा। अब दुकानदार ने 5 रुपए वाला शीशा दिखाया। अब उस 5 रुपए के शीशे को देखकर कहती, तेरा शीशा सही नहीं है, थोड़ा बढ़िया शीशा दिखा। उसने 50 रुपए वाला दिखाया। जैसे ही 50 रुपए वाला दिखाया, बोले ये भी सही है, थोड़ा और सही दिखा। उसने 500 रुपए वाला शीशा दिखाया। बोले लगता है तेरे शीशे में खराबी है, क्योंकि आज से 40 साल पहले मैं 2 रुपए का लाती थी, वो शीशा बढ़िया होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी जवानी थी, सुंदरता थी। आज चाहे 1000 रुपए का शीशा दे दो, वो चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, मन को जवान रखो, मन को स्वस्थ रखो। बुढ़ापे में शरीर कैसा होता है ध्यान देना। धीरे धीरे बड़े बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़े बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़े बुढ़ापा डगमग डोले काया, धीरे धीरे बड़े बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब लोगों ने देखो, सबके सब लोगों ने देखो, डेरा खूब जमाया, सबके सब लोगों ने देखो, डेरा खूब जमाया,
सा करके बताया था, ये बहू, ये मेरे पोते, ये मेरे रिश्तेदार, ये सब स्वार्थ के है, ध्यान देना। और कौन, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, कल बताया था ना, जन्म दिया दूसरों ने, शिक्षा दी दूसरों ने, विवाह दूसरे के साथ हुआ, और जब अंत समय आया तो ठाकुर भी दूसरे लेकर गए, और जो सारी जिंदगी तुमने धन 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 करके इकट्ठा किया, तुम्हारे जाने के बाद वो धन भी दूसरे ही लेंगे, फिर तुम्हारा है क्या? क्या जिसको तू अपना समझेता वो दे बैठा धोखा, जिसको तू अपना समझेता वो बैठा धोखा, जिसको तू अपना समझा था वो दे बैठा धोखा, जिसको तू अपना समझेता वो दे बैठा धोखा। अरे प्राण गए सब चल जाएगा, प्राण गए सब चल जाएगा, प्राण गए सब चल जाएगा, सब जल जाएगा, ये माटी का खोका, हार गए सब जल जाएगा, ये माटी का खोका, खोके खोके मेरी करते करी सारी जिंदगी, खोके खोके मेरी करते करी सारी जिंदगी, हो सारी जिंदगी रे तेरी सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे तेरी सारी जिंदगी, खेतों में पड़ी है, किसी की नादे में पड़ी है, किसी पुरुष की कहां पड़ी है, ये किसका चक्कर है?
पर स्त्री गमन का, और चौथा स्थान बताया गया हिंसा, जहां दया धर्म ना हो। आजकल आप देख रहे हो इंसान के अंदर से दया समाप्त हो रही है। पहले दो जने की लड़ाई होती थी तो तीसरा बचाने के लिए आता था, भैया ऐसे मत मारो लग जाएंगे। लेकिन आज खुले आम चौराहे पर चक्कू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कोई बचाने आता है? दूर से वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे डाल रहा है, और तो और सड़क पे कोई एक्सीडेंट में इंसान तड़प भी रहा होगा तो कोई उसे उठाता भी नहीं है कि हम फंस जाएं। क्या मन में आती है, ये हमारा रिश्तेदार थोड़ा है, ये हमारा अपना थोड़ा है जो इसे बचाएं। लेकिन जब वही इंसान अपने परिवार में जाता है, उसके छोटे से बच्चे को उंगली पे चोट लग जाती है तो मन तड़प जाता है। ध्यान देना, तड़पता है ना मन, उसे फट दे के अस्पताल लेकर जाता है। रस्ते में वो खून से लथपथा, उसे नहीं बचाया, लेकिन अपने बच्चे को फट देगी थोड़ी सी चोट में भी लेकर गए। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा है। भाई को लग जाती है, मन तड़प जाता है, लेके अस्पताल जाते हैं। बहन को, माता को, किसी भी अपने को लगती है तो मन तड़प जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके बेटे के गले में तख्ती लगी कि तुम्हारा बेटा है? क्या आपके भाई के गले में तख्ती लगी कि तुम्हारा भाई है? फिर क्यों तड़पते हो उसके लिए? क्यों? क्योंकि तुमने उसे मन से अपना माना है कि ये मेरा बेटा है, मन से अपना भाई माना है, मन से अपना पिता माना है। जिसे मन से तुम अपना मानते हो उसके लिए दुख में तड़पन होती है और खुशी में खुशी होती है। और प्यारे वही मन से तुम मेरे ठाकुर जी को अपना बना लो, कि जैसे तुम अपने बच्चों का ख्याल रखते हो वैसे मेरे ठाकुर जी से कहो कि हे ठाकुर तुम मेरे बेटे हो। जैसे जिसके दो बेटे होते हैं एक बेटा इसे बना लो, जिसकी बहनें बेटियां बेटी हो तो अपनी बेटियों से कहो कि इसे अपना भाई बना के इसे राखी बांधो। हर रिश्ता धोखा दे सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर से अगर रिश्ता बना दिया तो प्यारे उसे जीवन में कभी मेरा ठाकुर धोखा नहीं देगा। जिस समय ये संसार तुम्हें छोड़ देगा उस समय मेरा ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा कि चिंता मत कर, तूने मुझे अपना बनाया है ना, तेरा साथ मैं जरूर दूंगा। लेकिन प्यारे कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो रिश्ते को बदनाम करती है। मीरा ने भी मेरे ठाकुर से रिश्ता बनाया लेकिन दुनिया ने छोड़ा नहीं। कि कितना भी तुम अच्छा करो प्यारे, संसार फिर भी तुम्हें बुराई ढूंढेगा। अभी कली की बात है, ध्यान देना। किसी माता जी ने हमसे पूछा, बोले महाराज मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं कलश उठाऊं, मंगल कलश उठाऊं, लेकिन क्या करूं समाज जीने नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं विधवा हूं। हां जी, अगर मैं कलश उठाऊंगी तो क्यों, मैं विधवा हूं ना, इसलिए। क्या विधवा कलश उठा सकती है? अब देखो, कल हमारे पास में एक माता जी थी, पड़पोता गोद में लेके बैठी थी, नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन पड़पोता गोद में लेके बैठी है। और उसने कहा कि क्या मैं कलश उठा सकती हूं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अशुद्ध हो गई हूं ना। आपको मैं एक बात बताता हूं, स्त्री शक्ति कभी अशुद्ध नहीं होती, सबसे बड़ी महान परमात्मा से भी बढ़कर है। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि पिता से भी पहले मां का नाम आया है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें संसार में लाई है। माता परम आत्मा पकड़ के जो तुम्हें चलना सिखाती है, जीवन की राह जीना सिखाती है, तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे आगे से आगे बढ़ चढ़कर साथ देती है। लेकिन सिर्फ एक कमी के कारण, एक बात बताओ, पति पत्नी की शादी होती है, साल कई साल जीते भी हैं, लेकिन किसी न किसी एक की तो मृत्यु पहले होनी है।
बड़े ध्यान से सुनना, किसी ना किसी एक की मृत्यु तो पहले होनी है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को तो कोई बंदिश नहीं होती, वो तो आराम से जीता है, हर काम करता है। लेकिन अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो प्यारे धर्म पत्नी को अशुद्ध मान दिया जाता है। क्यों? बोले पुरानी परंपरा है। अरे पुरानी परंपरा तो सती होने की थी, सती क्यों नहीं होते? पति के साथ जलती थी, आज क्यों नहीं जलती? इसीलिए प्यारे बड़े ध्यान से सुनना, ये मात्र शक्ति को हमेशा आगे रखो, और वो जो हमारे परिवार की जड़ है, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ये एक वृक्ष की तरह होते हैं जो तुम्हें छाया देते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके बच्चों को किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, जीवन में खुशियां तमाम आएगी, जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ अपने पुत्र को जन्म देती है। अरे कोई एक किलो का दो किलो का बट्टा रख के कोई एक दिन नहीं घूम सकता, वो कई किलो 9 महीने तक पेट में रखती है, अपनी कोख में रखती है। और आज के बेटों को अपने माता पिता को घर में स्थान देने की जगह नहीं है। आश्रम भरे पड़े हैं, वृद्धा आश्रम। एक बार हमारा मन हुआ कि चलो हम वृद्धा आश्रम में कथा करते हैं। होएगा वही पाएगा, जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सत्कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी कि प्यारे जब तक माता पिता रहते उनकी कदर नहीं होती। अरे जीते जी में पानी भी नहीं पिलाते, मरने के बाद 56 भोग दुनिया को दिखाने के लिए माल कुएं बंटवाते हैं, इमरती बंटवाते हैं। इसीलिए कहते हैं बाप की गारंटी मत करना कि बच्चे तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, इसलिए जीते जी सेवा में लग जाओ। हमने देखा है कि लोग शहीदान कैसे करते अपने माता पिता का, जबकि गरुड़ पुराण सुनते हैं कि जो आप सेवा करोगे वो आपके माता पिता को अपने पितरों को भी देगी। लेकिन फिर भी कहते हैं पंडित जी कम से कम सामान लिखवाना। छतरी ऐसी लाते हैं शहीदान में जो खोलते ही टूट जाती है, कपड़े ऐसे लाते हैं जो पहनते ही फट जाते हैं, चप्पल ऐसी लाते हैं जो पहनते ही नहीं, पहनते टूट जाती है। तो सोचो
जिन माता पिता ने जिन पितरों के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ किया, आज उसके बच्चे उसके लिए कुछ नहीं करते। इसलिए उनका इंतजार मत करो कि वो तुम्हारा क्या दान करेंगे। जीते जी खुद सेवा करना चालू कर दो, खुद का सही दान खुद कर लो। अर्थात अन्न का दान करोगे तो तुम्हें अन्न मिलेगा, जल का दान करोगे तो जल मिलेगा, और धन का दान करोगे तो सुख साधन मिलेंगे। ये रिश्तेदार तो तब तक है जब तक तुम उनके काम के हो, और जब जिस दिन काम के नहीं हुए उस दिन सब भूल जाएंगे, चार दिन रोएंगे, उसके बाद प्लास्टिक की माला चढ़ा देंगे कि रोज रोज फूलों की माला कौन चढ़ाएगा। इसीलिए प्यारे कि अपने बच्चों के साथ में एक रिश्ता और जोड़ लो मेरे ठाकुर से, और जो मेरे ठाकुर से रिश्ता जोड़ता है, जो मेरे ठाकुर की सेवा में लगा रहता है, विश्वास मानो अंत समय में मेरा ठाकुर उसको कंधा देने जरूर आता है, और जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आए प्यारे उसे संसार के सहारे की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए अपने हाथों से खूब सेवा करो, खूब दान करो, और खूब मुंह से भगवान का भजन करो। कई बार हम देखते हैं हम जब उच्चारण करवाते हैं तो कई माताएं बहने चुपचाप बैठी रहती हैं। अरे भगवान ने तुम्हें बोलने की शक्ति दी है तो बोल लो, भगवान ने शक्ति दी है बोलने की तो बोल लो, वरना ऐसा समय भी आ सकता है जब तुम बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे। और अब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने चार मानस पुत्र बनाए, सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार। उसके बाद अपनी पुत्री उत्पन्न करी जिसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। जो इतनी सुंदर थी जिसको देखकर स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर काम मोहित हो गए। अब उनके मानस पुत्रों ने सोचा और कहा, पिताजी आप जैसे सृष्टिकर्ता ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा रचा वो संसार क्या कार्य करेगा। कहते जो माता पिता में संस्कार होते हैं ना, कुछ संस्कार बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष उत्पन्न हुए। जो पुरुष हुए वो मनु कहलाए और जो स्त्री हुई वो शत्रुपा कहलाए। और मनु और शत्रुपा से पांच संतानें उत्पन्न हुई, दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन पुत्रियां देवहूति, आकृति और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कदम मुनि से हुआ, और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति से हुआ। राजा दक्ष प्रजापति को तो आप सब जानते हैं ना, कौन है? भोले बाबा के ससुर जी। और वो भोले बाबा से बहुत द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति सभी देवी देवताओं की सभा में गए, सभी देवी देवता खड़े होकर प्रणाम करने लगे, लेकिन भोले बाबा अपनी साधना में लीन थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझा, और इसका बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने कणखल में एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। जब सती को पता चला कि मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है लेकिन हमें नहीं बुलाया, सती गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा आपको पता है कि मेरे पिता ने महान यज्ञ किया है? बोले हाँ सती पता है। बोले तो आपको ये भी पता होगा सभी देवी देवताओं का निमंत्रण दिया? बोले ये भी पता है। बोले तो भोले बाबा आपको ये भी पता होगा कि हमें नहीं बुलाया? ये बच्चों को बिठा दो, बार बार उठे जाते हैं, ध्यान बढ़ता है ऐसे। तो बोले बाबा आपको ये भी पता होगा कि हमें नहीं बुलाया? बोले हाँ ये भी पता है। तो बाबा क्षमा करें और आज्ञा दें कि मैं अब वहां जाकर देखना चाहती हूं कि जिस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ, भोलेनाथ, भगवान शंकर को नहीं बुलाया, उस यज्ञ में कौन कौन देवी देवता जाना चाहता है, भाग लेना चाहता है, मैं ये देखना चाहती हूं।
देखने का तो बहाना था, लेकिन सती को वहां जाना था। भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे सती, बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिन बुलाए कहीं जाओगे तो सिवाय अपमान के, सिवाय धक्के के कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात भी सच है, बिन बुलाए कभी मत जाना कहीं भी। लेकिन भगवान शंकर ने सती को कुछ स्थान बताए हैं जहां आप बिन बुलाए भी जा सकते हो। कौन कौन से? सत्संग में, कीर्तन में, कथा में, और कहीं भी सेवा हो वहां बिन बुलाए जा सकते हो। क्योंकि संसार के काम में बिन बुलाए जाओगे तो अपमान पाओगे, और भगवान के कार्य में जब भी जाओगे, चाहे संसार सम्मान करे ना करे, लेकिन मेरा ठाकुर तुम्हारा सम्मान जरूर करवाएगा। हो सकता है शुरू में ये संसार तुम्हें देखकर हंसे, जब तुम अच्छे काम करते हो ना, सबसे पहले तुम्हारी बुराई चालू हो जाती है। लेकिन सब्र रखो, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल देखते ही रह जाएंगे, जब तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। अब क्या हुआ भी यही, सती जिद करने लगी और उसका निष्कर्ष क्या निकला कि प्रजापति के दक्ष में उसे जलकर भस्म होना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर वालों की बात अवश्य माननी चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, उसका मान करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। और प्यारे, जैसा कि हमने कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार देना पड़ता है। तो आपको एक बात बता दें, भगवान किसके लिए आते हैं? कोई बताएगा किसके लिए आते हैं? आपके लिए? बिल्कुल नहीं आते आपके लिए। भगवान जब भी भगवान आए हैं, पापियों के लिए आए हैं, क्योंकि रावण नहीं होते तो राम नहीं आते। रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, और कंस नहीं होते तो घनश्याम नहीं आते, क्योंकि हमेशा पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आए हैं। और इसी बहाने आपको भी दर्शन देते हैं। सर्वप्रथम जब पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी, तब भगवान ने 12 रूप में अवतार लिया और इस पृथ्वी को अथाह जल से उबारा। उसके बाद भगवान ने सूर्य रूप में अवतार लिया, जिसकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। देखियो, यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, उसके बाद में क्या दी जाती है? दक्षिणा। कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? क्योंकि यज्ञ जल नहीं चलने वाली थी, वो होली का जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की है। अब हिरण्यकश्यप ने देखा, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ शक्ति है। हिरण्यकश्यप समझ गए, लगता है कुछ ना कुछ शक्ति इसका साथ दे रही है। बोले हिरण्यकश्यप ने कहा अपने भक्त प्रहलाद को, लगता है तेरा भगवान कहीं ना कहीं तो है। बड़े ध्यान से सुनना, हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है तेरा भगवान कहीं ना कहीं तो है, बता कहां पर है। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां कहां नहीं है, वो तो कण कण में है। अच्छा, आपसे पूछते हैं भगवान कहां पर है, है? हृदय में भी है, मन में भी है, सब जगह है ना। अच्छा, कोई कहता है मन में भगवान है, एक बार मन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, MRI करवाते हैं मन की, क्या भगवान दिखेगा? फिर भगवान कहाँ है? हम आपको बताएं भगवान कहाँ है? ये भगवान तुम्हारे विश्वास में है। अगर तुम्हारा विश्वास पत्थर में है तो पत्थर में भी भगवान देखेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाए तो तुम देख नहीं पाओगे। अब छोटे से भक्त प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है।
हिरण्य कश्यप ने कहा क्या चेटी में भी भगवान है? बोले हाँ। बोले हाथी में भी भगवान है? बोले हाँ। बोले इस लोहे के खंभे में भी भगवान है? बोले हाँ। बोले है तो दिखा। देखो छोटे से भक्त पैदा आपका चैलेंज। हिरण्य कश्यप कहते हैं अगर लोहे के खंभे में तेरा भगवान है तो दिखा। अब भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ के बैठ गए एक विश्वास के साथ। क्या कहते हैं? जो जो भगवान को बुलाना चाहते मेरे साथ बोलेगा वो आता होगा। ऐसे तो पड़ोसी में नहीं आएंगे। जरा हाथ उठा के बोलना पड़ेगा वो आता होगा। श्री हरि ने कहा चिंता मत कर। क्या कहा तूने?
ना मैं दिन में मरूंगा, मैं रात में मरूं, भगवान ने संध्या का समय कर दिया। अब बता, फिर तूने कहा ना, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। देख, तेरे लिए मैं ना पूरा नर के रूप में आया, ना पूरा पशु के रूप में आया, मैं आधा नर और आधा सिंह। बोली नरसिंह भगवान की जय। फिर तूने कहा ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। देख, मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाले। फिर तूने क्या कहा, मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। देख, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, जिसे कहते हैं मलमास का महीना, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास का महीना, वो स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। उसके बाद भगवान उसे चौखट पे ले आए। अब बता, तू अंदर है या बाहर है? फिर भगवान ने उसे अपने पट पे लिटा दिया, बोले बता, अब तू धरती पे है या आकाश में है? जब सारे वरदान समाप्त हो गए, तब भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और प्यारे पूरा महीना काट दिया। बोले नरसिंह भगवान। देखो, नरसिंह भगवान के हाथों हिरण्यकश्यप का वध हुआ, उसका भी उद्धार हो गया। क्यों? मेरे ठाकुर का स्पर्श हुआ। लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब देवी देवता घबरा गए, इनका क्रोध कैसे शांत करें? सभी देवता जैसे नरसिंह भगवान के सामने जाते, उनकी लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे वापस आ जाते। तभी लक्ष्मी जी को भेजा कि लक्ष्मी जी, अब आप जाओ, आप क्रोध शांत करो। जैसे लक्ष्मी जी जाती हैं, लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे वापस आ जाती। कहते हैं जिस घर में क्रोध होता है, जिस घर में कलेश होता है, वहां लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं रहती, वापस आ जाती है। अब देवता भी हार गए, लक्ष्मी जी भी हार गई, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सभी देवी देवताओं ने देखा कि भक्त प्रहलाद बैठे हैं। अरे प्रहलाद, अब तुम जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। अब भक्त प्रहलाद चुपचाप गए और नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए और कहने लगे, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। नरसिंह भगवान जो अति क्रोधित थे, क्रोध में थे, अब प्रसन्न होने लगे, मुस्कुराने लगे। सभी देवी देवता हैरान हो गए। अरे प्रहलाद, हमारे देवी देवता इतने सामर्थ है कि सबको प्रसन्न कर सकते, लेकिन नरसिंह भगवान को नहीं कर पाए। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए? भक्त प्रहलाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। भक्त प्रहलाद ने कहा, जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे, जब तुम उनको शांत करने के लिए गए, तो तुम उनकी आंखों में आंखें मिला रहे थे। देखो, जब सामने वाले को क्रोध आता है ना, और जब तुम उनकी आंखों में आंखें मिलाते हो, तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है, मुझे आंखें दिखाता है, बढ़ता है ना। लेकिन कोई सामने क्रोध में हो और तुम सब झुका लो, उसके चरणों को देखो, तो बड़े से बड़ा क्रोधित आदमी भी शांत हो जाएगा। उसने कहा, तुमने नरसिंह भगवान की आंखों में आंखें मिलाई और मैंने उनके चरणों को देखा, तो भगवान शांत हो गए। क्योंकि जो झुक सकता है, वही झुका सकता है।